नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया को बेगूसराय से महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी का मानना है कि आरजेडी बेगूसराय के सीट से काफी मजबूत है, इसलिए यहां से किसी और को सीट देने का सवाल ही नहीं उठता। आरजेडी कन्हैया के लिए बेगूसराय छोड़ने के मूड में नहीं है। चर्चा तो ये भी है कि आरजेडी किसी भी सीट से कन्हैया को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में नहीं है। आरजेडी पहले से ही कई पार्टियों के साथ गठबंधन में है और चुनाव से पहले कई और पार्टियों के साथ आने की चर्चा चल रही है। खासकर मायावती से तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बीएसपी के बिहार से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जेएनयू मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में मुख्य आरोपी कन्हैया कुमार, उमर खालिद और 36 अन्य लोग शामिल हैं। सभी पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत और हमारे यूट्यूब चैनल अजय भारत को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लेंगे खबरों की पूरी खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक। हम पूछेंगे आपसे जुड़ा हर एक सवाल, तब तक जब तक नहीं मिलता है जवाब। निष्पक्षता और सच्चाई की होगी पूरी गारंटी। ना सिर्फ शहर बल्कि गांव की भी होगी बात। हम आएंगे आपके गली मोहल्ले और घर तक, क्योंकि हमारे लिए है आप सबसे आगे। बिहार झारखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एबी न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। बिहार झारखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एबी न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।